स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस। गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 किया था। अभी हमारे यहाँ से बाकी है 1.3 से, वहां से हम कंटिन्यू करते हैं। द एक्सप्रेशंस ऑफ द ब्रिटिश रूलर रूल बिटवीन 1757 CE and 1857 CE। बाई दिस टाइम द ईस्ट इंडियन कंपनी वॉज इन रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी एज पर द ऑर्डर पासिंग बंगाल। ओनली द कंपनी अराइवल द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग। हावेवर मैनी ऑफिसर्स हु वेयर एंगेज इन प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल। एज अ रिजल्ट द इनकम जनरेट फ्रॉम द टैक्स कलेक्शन इन बंगाल रिड्यूस विच इज टर्न वॉज अपोज बाय द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कली खान। This dispute kept on the recurring even during the time of Ali Werdi Khan. After Ali Werdi Khan, his son Sirajuddullah took charge. He got involved a major battle with the British. देखो क्या कह रहे हैं कि इन लोगों ने जो बंगाल कंपनी थी रेस्ट ऑन मोर एंड मोर मनी। देखो इंडिया कंपनी वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा से ज्यादा मनी कमाने लगी थी। सो एज पर ऑर्डर पास द बंगाल, तो उन्होंने क्या सोचा कि वो लोग भी वहां पे जाके बेनिफिट करते हैं। सो उन लोगों को बेनिफिट टैक्स फ्री था ट्रेडिंग के लिए। ओके बट बाकी के जो प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल। इन लोगों को हमें टैक्सेस इन लोगों ने फ्री दिया था बट बाकी की जो कंपनी थी वो भी टैक्स पे नहीं करती थी। सो इससे क्या है जो इनकम थी वो कम होने लगी टैक्स से रिलेटेड। सो ये नहीं चलेगा ऐसे उन्होंने बोला। जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1756। ही हैड एन ओवरवाइलिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश। द ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर्स ऑफ सिराजुद्दौला बाय कॉन्स्पिरेशन अगेंस्ट हिम शो डेट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल। There were frequent conflicts with the British merchant regarding payment of taxes. When the British merchant failed to pay tax, which were applicable to both Indian or foreign merchant, the situation came to a boil. He ordered that the British should not fortify the factory, pay the taxes as per the rules, and trade as per the term and conditions. This provocation was enough for Siraj to opt for war. Any success the expelling the British from Calcutta. देखो Sirajuddin become आरे नवाब ऑफ बंगाल ईयर किस ईयर में नवाब थे 1756 में। इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिशन ऑफ द Sirajuddin। देखो हेल्प उनकी मदद कर रहे थे एंड नॉट रिमेन्ड टू द थ्रोन ऑफ द बंगाल। उनको नहीं रिमेन नहीं था। एंड फ्रिक्वेंट कंप्लायंस विद द ब्रिटिश मर्चेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। उन्होंने क्या कहा कि आप लोगों को तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा ब्रिटिश वाले को, बराबर बंगाल वाले को फ्री दिया था ऐसे नहीं चलेगा। सो पे द टैक्स नहीं तो मर्चेंट द फेल। ओके ऐसा बोला था। एंड एप्लीकेबल ऑफ बॉट इंडियन एंड फॉरेन मर्चेंट एंड द सिचुएशन केम टू बॉयल। ओके जो हालात थे वो उनको समझने पड़ेंगे और उनको जो रूल्स रेगुलेशन है वो तो उनको फॉलो करके टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, वो नहीं चलेगा। विदाउट टैक्स के वो लोग नहीं कर सकते। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव। देखो अंडर द अटैक रॉबर्ट क्लाइव लीडर थे। क्लाइव ब्रिडेड मीर जाफर इज कमांडर इन द चीफ ऑफ सिराजुद्दौला। देखो मीर जाफर थे उनके कमांडर थे सिराजुद्दौला के। विद द प्रॉमिस उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कंफर्म द थ्रो ऑफ द बंगाल टू हिम एंड कन्वाइज हिम टू ज्वाइन देयर साइड।
विथ हिज हेल्प उनकी मदद करेंगे एंड रॉबर्ट क्लाइव डिफेंडेड एंड मर्डरेट सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी. देखो क्या कर दिया उन्होंने, मर्डर डिफेंडेड मर्डरेट सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ द प्लासी. दिस वॉज द फर्स्ट वॉर fought by the company in India which marked the beginning of the British rule in India. देखो ये फर्स्ट वॉर था और बाद में ब्रिटिश लोगों अपना राज करना स्टार्ट कर दिया था. Thus this war is considered to be a turn point टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. देखो यहाँ से इंडिया की हिस्ट्री चेंज हो गई थी और ये जो टर्निंग पॉइंट था वो अभी यहाँ से इंडिया के लिए चेंज हो गया था. बैटल ऑफ बॉक्सर. देखो एज प्रोमिस द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल. देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज नवाब ऑफ द बंगाल. देखो नवाब बंगाल मिर्जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल अभी ये बंगाल के नवाब बन गए थे. सो रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड. वो वापस इंग्लैंड गए एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मिर्जाफर बिकेम होस्टाइल टूवर्ड द ब्रिटिश. मिर्जाफर कहाँ पे आए थे, ब्रिटिश. द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विद हिज सन इन लो मीर कासिम. उनके सन इन लो के साथ रिप्लेस करे थे. मीर कासिम वॉज ऑफ एफिशियंट डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर. ये थे ना जो उनके सन इन लो, वो बहुत बहुत मतलब बहुत डिसिप्लिन वाले थे, एफिशिएंट वाले थे एंड क्लेवर रूलर वाले थे. द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन नवाब एंड द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस. देखो नॉन पेमेंट टैक्सेस विच अल्टीमेटली ब्रॉट द फोर्स फेस टू फेस विच ईच अदर इन 1763 मीर कासिम वॉज डिफाइंडेड बाय द कंपनी बट द एस्केप ही रिकॉग्नाइज हिज आर्मी अलोंग विद द फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ उर्दू एंड सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्पायर शाह आलम खान. देखो क्या कह रहे हैं, कंपनी अगर नॉन पेमेंट टैक्सेस कर दिया एंड अल्टीमेटली बॉट द फोर्स फेस टू फेस ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे के सामने खड़े हो गए सिंगाटा के जैसे. 1763 में एंड द कंपनी बट द स्केप. देखो एंड रीऑर्गेनाइज हिज आर्मी अलोंग विद द फोर्स नवाब ऑफ द उर्दू. अभी क्या कह रहे हैं, देयर कंबाइंड फोर्स मेड द कंपनी फोर्स एज बॉक्सर इन द 1764 द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर. देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ब्रिटिश वॉन हो गई थी एंड ऑल ऑफ द सडन बंगाल अवध एंड मुगल एम्पायर वॉज अंडर द कंट्रोल. और ये दोनों भी उसके अंडर द कंट्रोल हो गए थे. रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंड टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशन. दैट्स हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेडिंग कंपनी इमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया. देखो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, कंबाइन द फोर्स मीट बराबर है और फिर उन्होंने 1764 ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी वॉन हो गए. उन्होंने मुगल पे मुगल और अवध मतलब लखनऊ ये उनके अंडर कंट्रोल हो गए बराबर है. चलो अभी एक्सरसाइज देखते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हर बार की तरह हमें एसएस की नोटबुक बनानी है. टेक्स्ट बुक की जो भी एक्सरसाइज होगी वो हम एसएस की नोटबुक में ही करेंगे बराबर है. चलो क्वेश्चन वन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द यूरोपियन फील द नीड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया. इस क्वेश्चन का दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है. इट वॉज अ नेसेसरी फॉर यूरोपियंस टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया बराबर है. सो क्या है, मर्चेंट्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया फॉर ट्रेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाय लैंड रूट.
4 years Arab traders used this land route for their trade. However, trade by land route stopped due to change situation. This increased the demand of Indian products like silk and cotton clothes, muslin, spices like cloves, peppers, etc. in European countries, and it became necessary to discover a new sea route to India. Taking advantage of this situation, many adventurous soldiers from European countries try to discover a new sea route to India. देख लो बराबर से. देख लिया. ओके, क्लियर. ओके, नाउ सेकंड. हु वेर द फर्स्ट एंड द लास्ट यूरोपियंस टू अराइव इन इंडिया. कौन आया था? सो द पोर्टुगीज वेर द फर्स्ट एंड द फ्रेंच वेर द लास्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया. पोर्टुगीज थे वो सबसे पहले आए थे, एंड फ्रेंच थे जो लास्ट यूरोपियन टू अराइव इन इंडिया. ओके, थर्ड. बिटवीन हुम वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट. वॉट वेर इट्स रिजल्ट्स? द बैटल ऑफ प्लासी was fought between Siraj ud Dula and the British in 1757. See, the British proved victorious, thus marked in the beginning of the British rule in India. The Battle of Plassey was fought between Siraj ud Dula and the British in 1757. See, the British proved victorious, thus marking the beginning of the British rule in India. Okay, clear. Now next, why did the Battle of Boxer occur? What was its result? So, as promised, the British appointed Mir Jafar as the Nawab of Bengal. Robert Clive returned to England, however, with time become hostile towards the British. The company replaced him with his son, in-law Mir Jafar Qasim as the Nawab. Mir Qasim was an efficient, disciplined and clever ruler, हमने देखा चैप्टर में, and he opposed the British for non-payment of taxes. What forces came face to face finally in 1763? But Mir Qasim was defeated. His escape reinforced his army by joining hands with the Nawab of Urdu Shahjahan-ud-Dula and Mughal Empire Shah Alim. This combined force clashed with the British East India Company in the Battle of Boxer. The result was the
कंपनी इमर्ज विक्टोरियस एंड बंगाल अवध मीन्स लखनऊ एंड द मुगल एम्पायर केम अंडर द ब्रिटिश रूल. पूरा लास्ट पैराग्राफ में जो दिया है वही ये समझा रहे हैं इस क्वेश्चन में. क्लियर हुआ आपको? वापस एक बार दिखा रहे हो, देख लो. ओके क्लियर. नाउ नेक्स्ट, हाउ डिड द पोर्टुगीज रूल केम टू एंड इन बंगाल. सो फर्स्ट, विद इन जस्ट 100 इयर्स द पोर्टुगीज हैड टेकन कंट्रोल ओवर मुगल कोचीन, दीव, डंबर, गोवा, मुंबई एंड द आईलैंड ऑफ लंका. ये हमने देखा था फर्स्ट में जब चैप्टर स्टार्ट किया तब. देन इन द बिगनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी द पोर्टुगीज एक्सपेंडेड देयर ट्रेड टू बंगाल. द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेंड अबाउट पोर्टुगीज एक्टिविटीज थ्रू द मुगल एम्पायर शाहजहां हु रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली. एज पर द एम्पायर शाहजहां हु रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली एज पर द एम्पायर्स ऑर्डर हुगली फोर्ट वॉज डिमोलिश एंड पोर्टुगीज शिप वेर बर्न. इन दिस वे द पोर्टुगीज रूल केम टू एंड विथ द acceptations of Dieu, Dumbar and Goa. देख लो बराबर ध्यान से. ये मैं नोटबुक में लिखने हैं. ओके क्लियर. हो गया. ओके और अच्छे हैंड राइटिंग से लिखना है, ऐसे जैसे जैसे हैंड राइटिंग से नहीं लिखना है. ओके और लास्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स. Blank was the Italian who accepted the challenge to discover the sea route to India. Who's Columbus? Okay. Second, Robert Clive conspired to murder. Iska kya tha, unhone Sirajuddin ka. Okay. क्लियर स्टूडेंट्स? सो वापस रिपीट कर रही हूँ. ऐसे इसकी नोटबुक बनानी है, उसके अंदर चैप्टर लिखना है. चैप्टर लिखने के बाद एक्सरसाइज हेडिंग लगाना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहले क्वेश्चन वन लिखना है, उसके नीचे ही वन का आंसर लिखना है. नीचे क्वेश्चन टू लिखना है, उसके नीचे ही क्वेश्चन टू का आंसर लिखना है. ऐसे करके 1 to 5 कम्प्लीट करने हैं. और हैंड राइटिंग एकदम अच्छे होने चाहिए. ऐसा नहीं कि अभी लॉकडाउन में लिखने की प्रैक्टिस छूट गए तो ऐसे जैसे तैसे हैंडराइटिंग से लिख देगा, ऐसा नहीं चलेगा. शांति से लिखो, पढ़ के समझ के, और अच्छे हैंडराइटिंग से लिखना है. एंड ये जो दो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए है उसको भी हमें नोटबुक में फिलअप करना है. ओके अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे. समझ में आ गया? फिर भी चैप्टर घर पे एक बार वापस पूरा एक बार रीड कर लेना. और इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस रखना हर रोज घर पे. अभी तो आप ए स्टैंडर्ड में आ चुके हो, सो आप छोटे नहीं हो, बिग हो गए हो. सो घर पे आपको 1-1 पेज इंग्लिश का लर्न करने की प्रैक्टिस रखनी है, तो क्या आपकी जो फ्लुएंसी है वो मेंटेन रहे. बराबर है? और टाइम निकाल के पढ़ना जरूरी है. और ये क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तो उसको रीड करके लिखना समझ के, ऐसे सिर्फ कॉपी नहीं करना है हमें. अंडरस्टैंड? ओके okay.
नेक्स्ट वीडियो में वापस सेकंड चैप्टर में देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, बाय.